हेलो, वेलकम टू ज्वाइवल चैनल। माय नेम इज निशा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी रूटीन लाइफ जी रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज जो आप डेली रूटीन में करते हैं, आप जनरली इंजॉय करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी दिन क्या होता है कि अचानक आपका मूड इतना डाउन चला जाता है, आपको इतना नेगेटिव फील होता है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप बहुत बोरिंग फील कर रहे होते हैं। आप इस नेगेटिविटी से, इस बोरिंग सिचुएशन से निकालने के लिए सिर्फ आपको खुद से दो क्वेश्चन पूछने हैं, और इन दो क्वेश्चन का जवाब देते ही आप विद इन 5 मिनट्स यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आप कितना पॉजिटिव हो गए हैं। आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलकर पॉजिटिव फील करने लगते हैं, आप फील करने लगते हैं कि हाउ लक्की यू आर, हाउ ब्लेस्ड यू आर। तो वो दो क्वेश्चन जो हैं आपको नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर देने वाले हैं। आपको सिर्फ अपना फोकस चेंज करना है। वो फोकस जैसे ही चेंज होगा ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा सेम थिंग के लिए, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। तो वो दो क्वेश्चंस क्या हैं, खुद से आपको क्या पूछना है, मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से बताती हूँ। सपोज यू आर अ वर्किंग पर्सन, राइट, एंड यू गो टू योर ऑफिस डेली, यू फील गुड, यू आर हैप्पी विद योर जॉब, एंड सडनली वन डे यू स्टार्ट फीलिंग यार दिस जॉब इज सो बोरिंग एंड यू डोंट वॉन्ट टू कैरी ऑन दिस जॉब, आप ये जॉब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। उस दिन आपको खुद से सिर्फ दो क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट, कि इस जॉब से आपको क्या बेनिफिट्स हैं। यू गेट सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, लाइक यू हैव बिकम फाइनेंशियली फ्री, यू हैव गॉट इंडिपेंडेंस, एंड यू आर एंजॉइंग द लग्जरीज ऑफ योर लाइफ विच यू एवर वॉन्टेड इन योर लाइफ, एंड योर जॉब प्लेस इज नियर योर हाउस। तो ये जो हैं एग्जाम्पल्स, दिस आर सिंपल जर्नलाइज एग्जाम्पल्स। आपकी जॉब के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी करते रहते हैं अलग अलग। और फ्लिप साइड पे आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है कि अगर आपके पास ये जॉब नहीं होती तो डू यू नो कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के पास जॉब है ही नहीं, तो वो लोग कैसा फील करते हैं, वो लोग जो कम्पीट कर रहे हैं स्टिल फॉर द जॉब विच यू ऑलरेडी हैव एंड यू आर कंप्लेनिंग अबाउट। आपको एकदम से रियलाइज होगा कि हाउ लकी यू आर दैट यू हैव गॉट दिस जॉब। यू विल स्टार्ट फीलिंग अपलिफ्टेड, योर मूड विल स्टार्ट फीलिंग अपलिफ्टेड, एंड यू विल स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू गॉड फॉर द सेम जॉब जिसके लिए आप 5 मिनट पहले कंप्लेन कर रहे थे। जैसे ये तो चलो जॉब का एग्जाम्पल, इसको तो छोड़ो, सब लोग जॉब नहीं भी कर रहे होते हैं, एवरीबडी इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। आपकी रूटीन की लाइफ है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप पूछेंगे मुझे यार एग्जाम देना पड़ता है, वही कॉलेज जाना पड़ता है या स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने को नहीं मिलता है, जो आप प्रिविलेज्ड कि आपको एजुकेशन मिल रही है, और पढ़ाई सबसे आसान काम है, आपको एक कंफर्टेबल जगह पे आराम से बैठ के पढ़ना ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि आपको दौड़ते दौड़ते भागते भागते ही पढ़ना है तभी लर्न होगा, आराम से बैठ के पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा। इट्स सो सिंपल, दुनिया का सबसे आसान काम है, बैठ के करना है। अदरवाइज तो आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका फिजिकल वर्कआउट होता है, इसमें तो आपका कोई एनर्जी होती ही नहीं ना यूज, फिजिकली तो आप एग्जॉस्टेड फील करते ही नहीं है, तो कितना अच्छा काम है। दूसरी तरफ अगर किसी हाउसवाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, उसे फील होता है कि रोज घर में इतना सारा काम करना पड़ता है। एक बार सोच के देखो, आपके पास घर है तभी तो काम है, घर नहीं होता तो काम कहाँ से होता। आपको कपड़े धोने पड़ रहे हैं, बर्तन धोने पड़ रहे हैं, फील लकी कि आपके पास इतनी अच्छी ड्रेसेस हैं जो आप रोज चेंज कर सकते हैं, लोगों के पास इतने कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए। फील लकी कि आप बर्तन धो रहे हैं क्योंकि आपके पास खाने के लिए खाना है, बहुत सारे लोगों के पास तो 2 टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं होता है। इस तरह की क्वेश्चंस जब आप खुद से पूछने लगेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में जो आपको बोदर कर रही है, तो आपको उसका जो आंसर है ना, आई बेट कि पॉजिटिव ही मिलेगा। आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछने कि उससे आपको क्या बेनिफिट है, एंड अगर वो आपके पास नहीं होती वो चीज़ तो क्या होता, आपकी लाइफ कैसी होती। सिर्फ एक रियलाइज करना है आपको इस चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको ब्लेसिंग लगने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि उस छोटी सी चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में जिसे आप इग्नोर कर रहे थे अभी तक। तो बस जब भी नेगेटिव हो खुद से ये दो क्वेश्चन पूछिए, एंड शिफ्ट योर मूड फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ हैप्पी डे। बाय बाय।